वी आर बैक। माधव आ गया स्कूल से। माधव हेलो करो। हेलो। अब हम स्कूल के पार्किंग में हैं। यहाँ पे इस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ होती है और हम अब बस गाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से। तो माधव आ चुका है। माधव बोलो हाय। हाय। कैसे हो आप? कैसे हो आप? कैसे हो आप? आप बताओ आप कैसे हो? आर यू फाइन? यस। हाउ वाज योर डे टुडे? यस। व्हाट? यस। व्हाट? यस। वेरी गुड। डिड यू ईट वेल? यस। डिड यू स्टडी वेल? यस। लेट्स गो टू होम। आपके हैंड में क्या आई है माधव? व्हाट इज दिस? गिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? हाउ डू यू कॉल दिस? फ्लावर। फ्लावर? किसके लिए लेकर आए हो? मम्मा। ये मेरे लिए रोज एक फ्लावर प्लक करके स्कूल से लेकर आता है जब मैं इसको लेने जाती हूँ, है ना माधव? चलो तो ये देखो, अभी हम रोज स्कूल आते ही हैं। ये सामने बिल्कुल यहाँ पे कॉलेज भी है, कैंटीन है, वहां से इसके रोज के ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। ये रोज एक नई डिमांड के साथ होता है कि आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है। ये जिद करके पीछे पड़ जाता है। आपने माधव आज खाना नहीं खाया स्कूल में जो आप मांग रहे हो, मेरे से डिमांड कर रहे हो? माधव बोलो। बोलो क्या होता है? हाय कर दो जल्दी से। ये देखो ड्रामा। ले दो प्लीज। क्या लेके दूं? क्या चाहिए आपको? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक? घर पे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है। कैंटीन। कैंटीन से क्या चाहिए? आइस क्रीम। पार्किंग से निकलते हुए बहुत रश होता है। इतनी सारी कार्स हैं यहाँ पे। मतलब बाद में लेंगे बेटा, अभी क्रिदु भी वेट कर रही है घर पे। और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम। तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनका हमें म्यूजिक अच्छा लगता है, बट वो गाने ना हमें उनके वर्ड्स नहीं आते, मतलब हमें उनकी वर्डिंग नहीं आती। तो मैं आपको बताती हूँ उन गानों को कैसे इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि इंजॉय इसलिए करना चाहिए कि आपको वो गाने पसंद आते हैं। अभी जैसे FM पे ये गाना बज रहा है, आप ऐसे एंजॉय कर सकते हो म्यूजिक बजा के। करना चाहिए। अब तक तो पता चल ही गया वो कौन सा सॉन्ग बज रहा है।